अध्याय एक, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, माम काह पांडवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। पश्यैतां पांडुपुत्राणां आचार्या महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्नि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्व आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतः सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर
आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योचै शंखं दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पंडवान कगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। यह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततः श्वेतैर्हरेर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भौजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषं मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन वाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावदित्ता निरीक्षेहम योद्धु कामान व्यवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। योत्स्यमानान वेक्षेहम य एते यत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे
युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण तथा विश्वभर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनत् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तान समीक्षस कौन्तेयः सर्वान् बंधून अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न च श्रेयोन पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च। तैमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य
एतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याद् जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्यां माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभो अपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं अधर्मो अभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोषै रेतै कुलग्नानां वर्ण संकर कारकै उत्सादन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह वांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतित्यनुशुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहो बत महत्पापं
कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया।